हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद एआर में। आज इस वीडियो में आप सभी को जैसा कि दिख रहा है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बीपीएससी 133 का है। दोस्तों ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि काफी बार जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम हुए हैं ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सिंपल से इस बार भी इस क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत ज्यादा है, जो कि हमारा एग्जाम 5 जून को है। तो सिंपल से हम इस क्वेश्चन को देखते हैं बिना स्किप किए हुए। तो सबसे पहले क्वेश्चन आया हमारा, संघवाद क्या है, संघवाद के लिए आवश्यक शर्तों का उल्लेख कीजिए। तो हमें किस तरह से लिखना है, सबसे पहले संघवाद हम पॉइंट बना लेंगे। उसके बाद लिखना है हमें, संघवाद एक ऐसा स्थापित प्रणाली है जिसके अंतर्गत दो स्तर की राजनीतिक व्यवस्थाओं को शामिल किया जाता है। पहला संघीय राजनीतिक व्यवस्था, इसके अंतर्गत केंद्रीय स्तर की सरकारें होती है, और दूसरे प्रांतीय राजनीतिक व्यवस्था जिसके अंतर्गत राजकीय स्तर की सरकारें होती है। तो सबसे पहले इस पॉइंट में सिंपल से ये करना है कि संघवाद के एक ऐसा स्थापन प्रणाली है जिसके अंतर्गत दो स्तर होते हैं, जिसमें एक केंद्र होता है और दूसरा राज्य सरकार होता है। आगे बढ़ते हैं, जहां पर दोनों ही सरकारें, पहले केंद्रीय सरकार और दूसरे राज्य सरकार, दोनों ही अपने क्षेत्र में संसद के कानून के अंतर्गत सर्वोच्च माने जाते हैं, मतलब कि उच्च माने जाते हैं। आगे हमारा, संघीय सरकार की स्थापना उस समय होती है जब दो अलग अलग स्वतंत्र राज्य आपस में मिलकर एक नया राज्य बनाते हैं और उस राज्य की सत्ता पर एक भाग देने के लिए दोनों राज्य सहमत हो जाएं, तब संघीय सरकारें बनती हैं। नेक्स्ट है हमारा, संघवाद के लिए निम्नलिखित शर्तों का होना आवश्यक है, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले हमारा है भौगोलिक एकता का होना। किसी भी प्रकार के संघीय सरकार को बनाने के लिए सबसे पहले शर्त यह मानी गई है कि इसमें दो ऐसे अलग राज्य आपस में मिले जो भौगोलिक रूप से उन दोनों राज्य के बीच एकता स्थापित हो। अर्थात हम कह सकते हैं कि संघवाद के लिए दो अलग अलग राज्य को भौगोलिक दृष्टि से उनके बीच एकता का होना काफी आवश्यक है। इसके साथ साथ यह दोनों ही राज्य जल की दृष्टि से और भूमि की दृष्टि से काफी निकट होने चाहिए, मतलब कि पानी भी पास होना चाहिए एंड भूमि की दृष्टि से भी निकट होनी चाहिए काफी। अर्थात हम कह सकते हैं कि संघवाद के लिए एक राज्य का पानी किसी दूसरे राज्य में प्रवेश करना चाहिए और एक राज्य का भूमि दूसरे राज्य से सटी होनी चाहिए, तभी जाकर किसी भी दो राज्य के बीच संघवाद का निर्माण हो सकता है, मतलब कि एक तरह से संधि। नेक्स्ट हमारा आता है पॉइंट, सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक ही भावना का होना। संघवाद के लिए एक काफी जरूरी होता है कि दो राज्यों के बीच किसी भी प्रकार के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए उन दोनों राज्य के बीच में एकता की भावना होना चाहिए। अर्थात दो राज्य के बीच जिसकी भावना अलग अलग हो, उनके विचार अलग अलग हो, ऐसे दो राज्य के बीच कभी भी संघवाद का निर्माण नहीं हो सकता है। संघवाद कहता है कि दो ऐसे राज्य जिनका एक ही भावना हो किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, तभी जाकर यह संभव हो पाता है कि उन दोनों राज्यों के बीच संघवाद के निर्माण हो सके। थर्ड पॉइंट आता है हमारा, दोनों राज्य के बीच संगठन की बात होना। अगर हम चाहते हैं कि दो ऐसे राज्य जिनकी भाषा और विचार अलग अलग हो और उन दोनों राज्यों के बीच में संघवाद का निर्माण हो, तो इसके लिए काफी जरूरी होता है कि उन दोनों राज्यों के बीच में संगठन की भावना, अर्थात उन दोनों अलग अलग राज्य के बीच संगठन की भावना होने से ही उनके बीच संघवाद के निर्माण हो सकता है, क्योंकि संगठन की भावना से ही यह दोनों राज्य किसी भी उद्देश्य की पूर्ति करने में सक्षम होते हैं। भाषा, धर्म, संस्कृति और हितों की एकता का होना। किसी भी दो अलग अलग राज्यों के बीच संघवाद के निर्माण करने के लिए उन दोनों राज्यों का भाषा, धर्म, संस्कृति और हितों की एकता का होना काफी आवश्यक है, अन्यथा उन दो राज्यों के बीच में संघवाद का निर्माण नहीं हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट आता है दोस्तों हमारा, राजनीतिक एकता का होना। अगर हम चाहते हैं कि दो अलग अलग राज्यों के बीच संघवाद का निर्माण हो, तो इसके लिए काफी जरूरी होता है कि उन दोनों राज्यों के बीच राजनीतिक हो और दोनों ही राज्य जनसंख्या की दृष्टि से समान होने चाहिए, और साथ ही साथ उन दोनों राज्यों के बीच राजनीतिक एकता का होना काफी आवश्यक है, अन्यथा वह संघवाद का निर्माण हो सकता है। तो दोस्तों मैं आप सभी के लिए एक प्लेलिस्ट बनाने वाला हूं, तो सिंपल से सारे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं एंड ऐसे ही वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।